स्वागत करते हैं आपको अपने YouTube चैनल ITMRK में। आज मैं बात करूंगा EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के बारे में। EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटजी क्या होता है, मार्केट इस क्रॉसओवर के थ्रू किस प्रकार से ट्रेड बनता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। यहां पे देखिए, एक ट्रेड बना और बेहतरीन ट्रेड बना। हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट था, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस था, यहाँ पर एक प्लस का निशान बना होगा जो EMA क्रॉस किया है। और जब EMA क्रॉस करेगा, ये ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ चलेगा, तब हम मार्केट में एंट्री करेंगे इस पॉइंट पे, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा इस चैनल के नीचे। और जब मार्केट इस चैनल के नीचे कहीं भी क्लोजिंग देगा तो हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे और हम अपना एंट्री यहाँ पे बनाएंगे और ऊपर की तरफ चल सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप कहीं भी यहाँ पर जा करके एग्जिट कर सकते हैं, इतना दूर जा करके। ये हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कहने का मतलब, जैसे यदि आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे खरीद करके यहाँ पे जा करके आप बेच सकते हैं। ये हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। और फिर यहाँ से अगर नीचे की तरफ बन गया है, नीचे की तरफ क्रॉस किया है, क्रॉस ओवर बना है, ये ग्रीन लाइन नीचे आ गया है, तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट साइड में और शॉर्ट सेल कर करके और नीचे की तरफ चल सकते हैं और बेहतरीन ट्रेड का फ़ायदा उठा सकते हैं इस पॉइंट तक। फिर यहाँ से हम एंट्री कर, यहाँ पे देखिए एक एंट्री पॉइंट बनी है और यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनी है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे मार्केट में इस पॉइंट पे। इस कैंडल पे हमें क्रॉसओवर मिला है, मार्केट ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया है, अभी क्रॉसओवर इस कैंडल पे मिला है, तो इस कैंडल पे हम एंट्री करेंगे अपना मार्केट में और नीचे की तरफ चलते रहेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देंगे। और देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड बना है। तो बात करते हैं इसके सेटिंग के बारे में, हमें सेटिंग क्या करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हमारा एक एंट्री बनी है और बेहद ही ख़तरनाक एंट्री बनी है। इस पॉइंट पे हम एंट्री करेंगे अपना मार्केट में, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ऊपर की तरफ हम चलेंगे एंट्री पॉइंट कर, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, इस चैनल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक क्रॉस ओवर के बारे में बताऊँगा सेटिंग, इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं बताया हूँ कि ये हमारा ये चैनल किस प्रकार से बनाना है और सिर्फ चैनल के अनुसार हम ट्रेड किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो चलिए अब बात करते हैं इसका सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने चले जाना, ये इस प्रकार से एंट्री करता है और इस प्रकार से एग्जिट करता है, एक बेहतरीन ट्रेड बनता है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, अब सेटिंग के बारे में आप लोग को बताता हूँ कि सेटिंग क्या करना है। सबसे पहले चले जाना है इंडिकेटर में, इंडिकेटर में जाकर के यहाँ पर सर्च करना है EMA क्रॉस, यहाँ पर सर्च करना है EMA क्रॉस। यहाँ पे सर्च करना है EMA क्रॉस, ओके। इस इंडिकेटर को हमें लगा लेना है, इस इंडिकेटर को लगाना है EMA क्रॉस, इस इंडिकेटर को हमें लगा लेना है, ओके। इसको मैं हटा देता हूं पहले। यहां पे सर्च करना है EMA क्रॉस, इस इंडिकेटर को हमें लगा लेना है, ओके। और इसके सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाकर के थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। क्या चेंजिंग कर देंगे, इसे मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि हमें बेहतरीन दिखे और अच्छा दिखे। थोड़ा सा थिकनेस इसका बढ़ा लेता हूँ और इसे मैं रेड कर दे रहा हूँ, इसे मैं रेड कर देता हूँ और इसका थोड़ा सा हम और थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये पतली लाइन हो गई दो जो हमें क्रॉस बताएगी, EMA क्रॉस। और उसके बाद चले जाना है दूसरा इंडिकेटर, क्या लगाना है EMA चैनल, अब लगाना है हमें EMA ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इस इंडिकेटर को दो बार क्लिक करेंगे, हमारा दो इंडिकेटर यहाँ पर लग जाएगा। इसमें क्या सेटिंग करना है, इस पर सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके इनपुट में जाना है, इनपुट सेक्शन में जाकर के लेंथ हमें 48 रखना है और सोर्स क्या रखना है, सोर्स रखना है हाई रखना है, फर्स्ट इंडिकेटर में हमें हाई रखना है। और इसके स्टाइल में चले जाना है, इसका अपने हिसाब से कलर आप रख सकते हैं, थोड़ा सा इसका मोटा रख सकते हैं। और उसके बाद EMA सेकंड इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे इनपुट सेक्शन में जाना है, यहाँ 48 ही रखना है, लेकिन सोर्स उसमें हाई था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे लो, ये लो हमारा लग गया, ओके। और इसका
स्टाइल में चले जाएंगे और थोड़ा सा आप इसके कलर को आप चेंज कर दीजिएगा, अपने हिसाब से रख सकते हैं। दोनों सेम ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन काम कर अच्छा लगेगा। ओके कर देंगे। अब देखिए हमारा सेटअप तैयार हो गया, यहाँ पर ट्रेड इस प्रकार से बन रहा है और इसके अनुसार आप ट्रेड कर सकते हैं। जब तक सिर्फ चैनल के अनुसार भी ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ चैनल के अनुसार भी ट्रेड करने का मैं बताया हूँ और पिछले वीडियो में बताया था, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इस चैनल के अनुसार हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं और EMA क्रॉस ओवर के अनुसार भी हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। जब EMA क्रॉस करता है ये आठ और चौंतीस, यानी कि आठ और चौंतीस EMA जब क्रॉस करेगा तो हम इसका ट्रेड ये किस प्रकार से ट्रेड बनता है इसको आप देख सकते हैं। इस ट्रेड को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इस ट्रेड में भी हम एंट्री बना सकते थे, हमारा स्टॉप लॉस कट जाता तो हम स्टॉप लॉस काट के बाहर निकल जाते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।